नमस्कार दोस्तों, महिला बॉक्सर निखत जरीन ने इतिहास रच दिया है। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय बॉक्सर पांचवी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने भारतीय मुक्केबाज जरीन ने 52 किलो वर्ग में बृहस्पतिवार को विश्व चैंपियनशिप में थाईलैंड के खिलाड़ी को जित पोंग को 5-0 से शिकस्त दी है और ऐसा करने वाले भारत की पांचवी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। हाल ही में ये साल बहुत ही अच्छा रहा है जरीन के लिए, क्योंकि फरवरी माह में सिंड्रेजा मेमोरियल सब में स्वर्ण पदक जीत कर ऐसा करने वाली भारतीय पहले महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जरीन ने अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई का संदेश जताया है और आभार में बोली ये सफर सब रुकेगा नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, उन्हें देश के स्वर्ण पदक जीत कर एक गौरवान्वित महसूस कराया है और ये सफर रुकना नहीं चाहिए। और विंगम में जो 50 kg भार वर्ग में खेलेगी, उनका लक्ष्य है पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीत कर भारत का नाम रोशन करना। 50 किलो वर्ग में जरीन का कहना है कि पेरिस के लिए वह 54 किलो भार वर्ग में वह 50 किलो भार में खेलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जरीन का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी और हार इसी वजह से आज वो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर भारत की पांचवी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। जरीन मुख्य तेलंगाना की रहने वाली जरीन ने भारत के स्वर्ण पदक जीता विश्व चैंपियनशिप में और हम उनकी जीवन की सुखद कामना करते हैं ताकि भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम है बर्मिंघम इंग्लैंड में, उसमें भारत के लिए पदक लेकर आए। हम कामना करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करें और जरीन के जीवन की सफलता प्राप्त करें।